Hello everyone, welcome to Sports Tiger. This is Sports Tiger Talks. Today I have with me Asian Games gold medalist, Kabaddi World Cup winner, DSP in Himachal Pradesh Police, the top raider of the country, Ajay Thakur. Ajay sir, first of all, आपका दिन कैसा रहा है और लाइफ इन जनरल कैसी है? थैंक यू. दिन काफी अच्छे लगा आप लोगों से जुड़ करके, अपने साथियों के साथ जुड़ करके. और लाइफ लाइफ बिल्कुल अच्छे से चली हुई है. अभी तो लास्ट ईयर जो था उससे तो काफी राहत मिली है अभी इस ईयर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया. तो सबसे पहले बचपन में अजय जी, इंडिया में कबड्डी काफी लोग खेलते हैं, लेकिन एक वो ट्रांजिशन होती है ना कि खेल से करियर तक, वो कैसे हुई? कब कब पता चला कि ये करियर बनेगा मेरा? तो देखिए, मेरे फादर साहब स्पोर्ट्स से थे, है ना. मेरे पिताजी एक अच्छे रेसलर थे. मेरे भाई राकेश कुमार जी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंट्री के लिए रिप्रेजेंट किया था हिमाचल से, वो मेरे फादर साहब का कहीं ना कहीं सपना था कि वो देश के लिए, मतलब के रिप्रेजेंट करें, देश के लिए खेलें. तो चलो, उस टाइम पे थोड़ी फैमिली की जो फाइनेंशियली कंडीशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो वो नहीं कर पाए कंट्री को रिप्रेजेंट. लेकिन उन्होंने मतलब के एक टारगेट सेट कर लिया था कि मैं अपने बच्चों को मतलब देश के लिए जरूर किसी ना किसी दिन मतलब के खिलाऊंगा या वो देश के लिए खेले. उनकी दिल की इच्छा थी. मैं जब फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब हमारे पिताजी हमें बोलते थे कि बेटा एक दिन देश के लिए खेलना है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना है. लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मुझे नॉलेज नहीं थी कि यार क्या होता है देश के लिए खेलना या क्या होता है कंट्री को रिप्रेजेंट करना. पर लेकिन मैंने उसी टाइम ये ठान ली थी दिल में कि यार जो मेरे फादर साहब का सपना है इसे मैं एक दिन जरूर पूरा करूंगा. कि जो मेरे फादर साहब हमेशा हमें ये मोटिवेट करते रहते हैं कि देश के लिए खेलना या इस तरीके का डाइट लो, ये खाओ, ये करो, इस तरीके से प्रैक्टिस करो, हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, डिसिप्लिन मेंटेन करो अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन को आगे लेकर के आओ. तो ये शुरू से जज्बा मेरे फादर साहब ने मेरे में भर दिया था. और नाइन्थ स्टैंडर्ड से, एट्थ या नाइन्थ स्टैंडर्ड से मैंने बिल्कुल प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ग्राउंड के लिए जाना, अपनी गेम पे फुल फोकस कर दिया था. जी, तो आपके फादर सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं जी. और यार, जैसे आपने कहा कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए किसी भी फील्ड में हो तो सबसे बड़ा सपना होता है देश के लिए खेलना. तो जब आपने पहली बार वो इंडिया की जर्सी पहनी थी, उस फीलिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे लिए? तो बिल्कुल ब्रदर, काफी छोटी एज थी मेरी, 19 साल का मैं उस टाइम कंप्लीट हुआ था. और जब मैं इंडिया टीम में आया तो उस टाइम पे आप ये मान लो कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना एक सपना टाइप हो ना, मैं बार बार अपने ऐसे मतलब चुटकी मार के देख रहा था कि यार सपना तो नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब इतना बड़ा कि मुझे, मैं गैस सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी मुझे ये सब कुछ मिलेगा कि मैं इंडियन टीम में इतनी जल्दी आ जाऊंगा. क्योंकि 19 साल बड़ी कम एज होती है हर खिलाड़ी के लिए. मुझे लग रहा था कि बहुत देर, पता नहीं मैं कब देश के लिए खेलूंगा. लेकिन मैं, मुझे मेरी 5-1 साल की मेहनत में, 5 ईयर्स की जो मेरी अच्छी मेहनत में, मुझे, मैं देश के लिए खेलने के लिए चला गया था. और जब वहां पे हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता तो जैसे हिमाचल में लोग जानने लग गए कि यार ये लड़का देश के लिए खेला है, हर जगह मान सम्मान मिलने लग गया, लोग अच्छे से बात लग गए करने. तो वो खुशी मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता आपको कि कितना फक्र फील होता है जब आप देश के लिए खेलते हैं और ऊपर से आपका मेडल आता है, लोग आपको बोलते हैं कि इन्होंने हमारा जो कंट्री का फ्लैग है वहां पे जाकर के लहराया. तो ये सब गर्व की बातें फिर याद आती हैं अंदर से, ना फील आता है एक अलग सा. और आपके फादर जी तो आपको कबड्डी के लिए पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन अगर दूसरे जो पेरेंट थे, जो माँ होती है, वो पढ़ाई के लिए फोर्स करती थी या फिर? मेरे मम्मी टीचर थे तो हमेशा मुझे मारते थे, डांटते थे कि स्टडी किया करो, ये किया करो, वो किया करो. क्योंकि उन्हें स्पोर्ट्स का इतना नॉलेज नहीं था, उन्हें लगता था कि यार ऐसा ना हो कि मेरा बेटा खेले, इसका जो करियर है खराब हो जाए. क्योंकि उस टाइम पे स्पोर्ट्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, मीन्स इतनी इंपोर्टेंस नहीं थी स्पोर्ट्स में. सब लोग कतराते थे कहीं ना कहीं कि स्पोर्ट्स से हमारा बच्चा ना जुड़े, सिर्फ स्टडी के ऊपर ध्यान दे. ये चीजें थी उस टाइम पे लोगों के जहन में, दिमाग में. जी, तो आप जहाँ पैदा हुए थे, जो आपका गांव था, वहाँ पे वहाँ माहौल कैसा था? वहाँ पे कबड्डी तो जैसे आपने बताया कि आपके भाई थे राकेश जी, वो पहली बार खेले, उससे पहले क्या माहौल था? लेकिन गांव मतलब इतना डेवलप नहीं था, अच्छे ग्राउंड नहीं थे. हम लोग, मेरे पास ही अच्छे शूज नहीं थे, किट नहीं थी. हम लोग रोड रनिंग किया करते थे ना, रोड के ऊपर दौड़ना, क्योंकि अच्छे ग्राउंड नहीं थे वहाँ पे उस टाइम पे. तो ये चीजें थी वहाँ पे. हिमाचल में थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे ग्राउंड कम है, ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी. वहाँ अच्छे ग्राउंड नहीं है, अच्छी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है. तो उसमें मैं ऐसे भी नहीं कहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट की कोई गलती है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र, अगर आप थोड़ा सा किसी चट्टान को काटोगे तो वो लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाता है.
तो इन चीजों की आपको जो विलेज लेवल पे आपको कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो गवर्नमेंट ने अच्छे मेंटेन किए हुए, लेकिन जो ये गेम है ना, ये गांव से जुड़े हुए गेम है, इनको गांव में बच्चे ज्यादा खेलते हैं। जी, वहां से आके आप देश के लिए खेले, तभी आई थिंक आप इतने लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, एंड ट्रूली यूर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। और अगला सवाल आपके लिए अजय जी, कि जब से प्रो कबड्डी लीग आई है इंडिया में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया में कबड्डी के लिए? ऑफ कोर्स पॉजिटिव पड़ा है, लेकिन क्या क्या अंतर आया है कबड्डी एज अ स्पोर्ट में इंडिया के लिए? प्रो तो देखो, कबड्डी घर घर पहुंच गई है ना। जी आज से मैं अगर 10 साल पीछे मैं लाइफ में अपने आप को लेकर के जाऊं, तो मेरे गांव और मेरे जो मेरी तहसील थी, इसमें लोग जानते थे कि अजय ठाकुर कोई है लोग, लेकिन लोगों ने देखा नहीं था, है ना। आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ, जैसे मान लो जयपुर ही आ गए, अगर मॉल्स में घूमने चलेंगे ना, तो 50% लोग पहचान लेते हैं कि यार अजय ठाकुर है। एक आपका जी नेम फेम हर घर घर पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कबड्डी एक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग हुआ है। हर घर कबड्डी खिलाड़ी, पहले जो प्लेयर्स क्या है, अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता था अपने आप को, उसके इंजरी हो जाती थी, तो वो अच्छे से हम लोग मतलब उसको रिहैब के लिए अच्छे पैसा नहीं था, अच्छा अच्छे डॉक्टरों से हम कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते थे। जो प्रो कबड्डी के आने से आपको अच्छा जो लेवल एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि यार अगर हम कबड्डी खेलेंगे तो बाइक, अगर हमें जॉब के लिए नहीं लगे, मान लो जॉब पे हम नहीं जा पाते, लेकिन हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं, जिससे कि हमारा परिवार अच्छे से चल सकता है पूरी लाइफ। हम इतना अर्न कर सकते हैं कि हाँ यार हमारा भविष्य जो है वो अच्छे से गुजर सके। जी बिल्कुल, आई थिंक फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग किया है कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग ने। और एक जो आदमी होता है उसकी लाइफ में दो फेज होते हैं, एक जी शादी के पहले का, एक शादी के बाद का। तो जी शादी होने के बाद क्या अंतर आया है, मेजर अंतर जो आया है लाइफ में, वो जरा बताएं। मैं ये कहूंगा कि लाइफ में शादी होने से ना, तो मेरे मम्मी हमेशा बोलते थे कि बेटे, जब मुझे ऐसे कभी लगता था ना कि यार मैं अब मुझे खेलना बंद कर देना चाहिए, मेरे काफी इंजरीज हो गई, ये मेरी मम्मी ने बोला कि बेटे आप ना एंगेजमेंट करवा लो, कि फिर ना भगवान के साथ ना दो लक जुड़ जाते हैं, एक आपकी किस्मत एक आपकी वाइफ की किस्मत। जी मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैंने एंगेजमेंट करवाई ना, उसके पहले मैंने बिल्कुल कबड्डी के बारे में बंद कर दिया था कि अब मैं शायद मेरी लाइफ का जो सफर था यहीं तक है। जैसे ही मैंने एंगेजमेंट करवाई ना, उसके बाद तो मेरी लाइफ चेंज होगी। उसी के बाद मैंने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लिया, इंडियन टीम का कैप्टन बना, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, ये सब अवार्ड्स मुझे इन सब चीजों के बाद मिले। तो मैं सोचता हूँ कि लाइफ का ना एक बड़ा सुनहरा पल होता है ना, लाइफ में आपका कोई दिल से आपकी केयर करने के लिए कोई आपके साथ जुड़ जाता है, उसको आपकी हर एक चीज मीन्स आपको, आपने खाना खाया नहीं खाया, आप वो संसार, आपकी वाइफ का ना आपके साथ ही संसार जुड़ा हुआ है, तो जी 24 घंटे आपके बारे में सोचना, आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से हो। तो मेरे हिसाब से कि ये एक बड़ा सुनहरा पल होता है यार, मेरे हिसाब से शादी तो और अच्छी वाइफ, ये बड़े नसीब से मिलता है, हर हर किसी को नहीं मतलब नसीब होता, अच्छा प्यार अच्छा साथी, है ना। जी जिसने भी, मतलब मैंने जिससे भी ये सवाल पूछा ना आज तक, उसने ये बताया कि लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है, इंसान पॉजिटिव हो जाता है लाइफ में, क्योंकि आपके पास हर बिल्कुल, कोई, हर वक्त है कोई आपकी केयर करने के लिए। आप देखिए ना, कोई कैसे हम लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कैसे कोई अनजान जिसको हमने कभी देखा, जिसके साथ कभी रहे नहीं, एकदम आपके इतने क्लोज आता है, आपका उसके बिना दिल नहीं लगता, उसका आपके बिना, ये चीजें कितनी मतलब आपको लगता है कि यार क्या हो गया एकदम से, है ना। आपकी फैमिली कितनी बड़ी हो जाती है एकदम, है ना, आपके मदर फादर दो हो जाते हैं, है ना, आपके बुआ जी दो हो जाते हैं, मामा जी चार हो जाते हैं जी तो मतलब डबल, है ना। तो जी सब आपको कुछ डबल। हाँ मेंटेन करना आना चाहिए बस, है ना। मैं चाहूंगा आपकी वाइफ ये इंटरव्यू जरूर देखें, उन्हें बिल्कुल पता लग जाएगा कि आपका कितना उनसे प्यार है, और आपका ऑलमोस्ट संसार वही है। वो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, आई थिंक उन्हें तो और तसल्ली मिलेगी और उन्हें भी प्यार बढ़ जाएगा आपसे। मैं कभी मजाक करता हूँ ना अपनी वाइफ के साथ ना, जी तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो यार आप कितने लकी हो, आपको ना अवार्ड हस्बैंड मिला है, पद्मश्री, डीएसपी, वो मुझे ऐसे मजाक मजाक में बोलती है कि ये सब मेरी देन है ना, मैंने इतनी प्रेस कहीं की। नहीं ना कहीं तो उनकी है, ये तो आप बिल्कुल, मान लो। इसमें इसमें कोई शक नहीं कि मैं बता तो रहा हूँ कि मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो मेरी एंगेजमेंट के बाद और मेरी शादी के बाद ही, जितनी भी मतलब हाईएस्ट अचीवमेंट है वो सब यहाँ से आई है, ये जी इनका मेरे साथ जुड़ने से जी ना। वाह वो थोड़ी बड़ा, वो गोड़ में सबसे बड़ी बात है ना कि
स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो पंजाबी में एक शब्द है कि फक्कर टाइप होता है, कि फक्कर मीन्स कि परवाह नहीं करते। लेकिन जो मेरी वाइफ का, वो तो बड़ा भगवान में बड़ा विश्वास रखती है, तो उन्होंने जी तो बहुत प्रे की मेरे लिए, व्रत रखे, प्रे की है ना। मेरे मम्मी भी बहुत ज्यादा प्रे करते हैं ना, जो मदर फादर होते हैं ना, जो वो हमेशा ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए, आगे जाए, आगे जाए, आगे जाए। तो मैं मम्मी की बात बताता हूँ, मेरी मम्मी एक एक महीने के व्रत रखते हैं, मेरी मदर एक एक वाह महीना कंटिन्यू, जब कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मैं अच्छा खेल पाऊं। इनकी सबसे उनको होता है कि यार हार जीत तो चली रहती है, मेरे बेटे के इंजरी ना हो, क्योंकि मेरे इंजरीज बड़ी ज्यादा रही मेरी लाइफ में, जी बहुत जी ज्यादा स्ट्रगल। मैंने नी के 2 ऑपरेशन करवाए, कभी बाजू का, कभी कुछ, इंजरीज से मैं बड़ा जूझा हूँ अपनी लाइफ में। जी जी क्रिकेट मैंने भी खेला है बहुत, और मेरे भी कभी शोल्डर इंजरी, नाक पे एक बार बॉल लगी थी, मेरे यहाँ निशान भी है अभी तक। तो मैं इंजरी स्पोर्ट्स में होती काफी है, एस्केप बहुत करना बड़ा मुश्किल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अजय सर, ये जो आपका निकनेम है आइसमैन के नाम से आप जाने जाते हैं, ये निकनेम की कहानी क्या है, कैसे पड़ी है आपको? निकनेम ऐसा है कि मैं सब मानते हैं कि यार कूल माइंड बंदा है थोड़ा ना, मेरा सबसे अच्छा व्यवहार है, अग्रेसिव बहुत कम, मींस कोई रेयर ही चांस होगा जब मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ। इसलिए सबको लगता है कि यार बड़ा कूल नेचर का बंदा है ना, तो इसलिए सब आइसमैन बोलते हैं कि यार बड़े ठंडे दिमाग से रहता है बड़ा मेरी सबके साथ। एक तो स्पोर्ट्स का क्या होता है ना, स्पोर्ट्स में आप लोग बड़े अग्रेसिव हैं। एक कबड्डी एक ऐसी है कि आप एक दूसरे को 24 घंटे चैलेंज करते हो, तो कहीं ना मनमुटाव हो जाता है। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं कि सभी प्लेयर्स मेरे साथ हमेशा अच्छे से जुड़े रहते हैं, जी जी इसी लोगों को मानना है कि यार ये बड़ा कूल पर्सन है, तो इसलिए आइसमैन बोलते हैं मुझे फिर। जी जी और एक मतलब ये सवाल आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आपके फादर की तो काफी इन्फ्लुएंस रही है, उस हिसाब से कोचिज का कितना योगदान रहा है, बाकी कोचिज का आपकी लाइफ में कितना योगदान रहा है? मैं आपको सही बताऊं ना, हर पड़ाव पे आपको अलग कोच मिलेगा है ना। पर मेरी लाइफ में जो जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर के आए, वो ऐसे श्री नंदलाल ठाकुर जी थे, जो शुरू में जिन्होंने मेरे को चूज किया कि हाँ जी यार, जिन्होंने मुझे सपने दिखाए कि तेरे में ये क्वालिटी है, तू ये बन सकता है, तो ऐसा होता है ये है। जी बिल्कुल, आई थिंक कोचेस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी स्पोर्ट हो। एंड लास्ट क्वेश्चन टू यू अजय सर, जी आप 3 टीम से खेले हैं टोटल प्रो कबड्डी लीग में, पुनेरी पल्टन, बेंगलुरु बुल्स और तमिल थलाईवास। शायद आंसर करना ये भी मुश्किल हो, बट सबसे ज्यादा इंजॉय कहाँ पे किया है ये अगर आप बता पाए? इंजॉय तो मैंने सबसे ज्यादा इंजॉय तो मैंने बेंगलुरु बुल्स में किया, क्योंकि मेरी फर्स्ट टीम थी। उस टाइम का जो दिल में जो फीलिंग थी जी वो सबसे ज्यादा बेंगलुरु बुल्स में थी, और सबसे ज्यादा प्यार, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार मुझे मुझे मिला तमिल थलाईवास में लोगों का। मीन्स मैं मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर रिस्पेक्ट मुझे मिली है, वो तमिल के लोगों ने मुझे दी है, कि तमिल थलाईवास में वो मुझे जब मैं कभी स्टेडियम में घुसता तो किंग किंग थलाईवास करके ऐसे पुकारते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ना। मैं अपनी लाइफ के मैंने अपने अपने लिए कभी इतना प्यार कहीं और देखा नहीं जितना मुझे तमिल के लोगों ने दिया है। मैं जी ये तो बोलूं कि मैं जहां कहीं भी गया तमिल में, और तो उन लोगों का प्यार मैं अपनी लाइफ में कभी भुला नहीं पाऊंगा। जी तमिल बिल्कुल वो बहुत मतलब एक काइंड हार्ट वाले लोग हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ जुड़ते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आप हार जी रहे हो, विन कर रहे हो, जीत कर रहे हो, उनको मतलब है कि यार हमारे लिए अजय ठाकुर खेल रहा है। तो मैं उनका प्यार कभी नहीं भुलाऊंगा। अगर कोई भी मेरे तमिल फैंस ये इंटरव्यू सुनेंगे, तो मैं दिल से सल्यूट है मेरा उनको ना, अपनी जी मेरी तरफ से, मेरे परिवार की, मेरी वाइफ भी बोलती है कि यार जितना प्यार मुझे तमिल के लोगों ने दिया। और जाते जाते एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कबड्डी खेलना चाहते हैं, उनके लिए एक एडवाइस, जो मेन एडवाइस होनी चाहिए, वो क्या होगी? वाइज यही होती है कि लाइफ में आप जो भी काम शुरू करो ना, उसको आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए आपके माइंड में, है ना, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और मुझे इससे क्या मिलेगा और मुझे जाना कहाँ है। जी मैं सभी यंगस्टर को यही बोलना चाहूंगा कि आपके सामने एक अभी प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, आपको दिख रहा है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट हमें करना है, अपनी मेहनत, अपना वर्कआउट, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट। हमारे जो यूथ है इनमें ना, एक सिर्फ हमारे जो यूथ अभी आया है उनमें सिर्फ एक ही चीज की कमी है, उनको ना हर एक चीज बहुत जल्दी चाहिए। जैसे जी उनको जी लगता है कि मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया तो मैं किंग बन जाऊं कबड्डी का, मुझे सब कुछ मिल जाए। मैं आप सबके लिए बताना चाहता हूँ कि मुझे कबड्डी खेलते खेलते जब 18 साल हो गए, उसके बाद मुझे अर्जुन अवार्ड मिला 18 साल की मेहनत के बाद। तो वेट करना सीखो, सबर करना सीखो, और कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं ना, कि मेहनत को हमेशा जारी रखना,
कई उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें अपने दिल को कभी भी ऐसे डाउन मत करना, दिल मत हार जाना, जिसको ऐसे देसी भाषा बोले कि दिल हार गया यार, मैं मेरे साथ नहीं अच्छा हो रहा है, करते रहो करते रहो। मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी भगवान मेहनत को जाया नहीं जाने देता। जी बिल्कुल, और ये गोल्डन वर्ड्स आपके द्वारा आई थिंक सब यंगस्टर्स को इम्बाइब कर लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर बात करने के लिए, बहुत मजा आया थैंक आपसे बात करके। आई होप यू, कभी फ्यूचर में दोबारा आपसे मुलाकात हो, बातचीत करें। ओके और मैम, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। दिस वॉज स्पोर्ट्स ओके टाइगर टॉक्स विद अजय ठाकुर। ऑफ कोर्स आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स टाइगर।